प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुनो अभयारण्य में नामीबिया से आए चीतों को बाड़े में छोड़कर एक बार फिर देश में चीता युग की शुरुआत की है। चीतों को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने कैमरे से उनकी तस्वीरें ली। इसके बाद उन्होंने चीता मित्रों के साथ संवाद किया। इस दौरान उनका एक वीडियो संदेश प्रसारित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि चीते हमारे मेहमान हैं, उनको देखने के लिए कुछ समय का धैर्य और रखना होगा। इसके बाद उन्होंने कराहल में स्व सहायता समूह के सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ चीते इसलिए छोड़े गए क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है और आप लोगों ने मेरे भरोसे को कभी नहीं तोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में चीता युग को पुनः आरंभ किया। अपने जन्मदिवस के मौके पर मोदी ने चीतों को बाड़े में छोड़ने के बाद कैमरे से उनकी तस्वीरें ली। श्योपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चीते मेहमान बनकर आए हैं, इसीलिए इनको कुछ समय देना पड़ेगा। ऐसे में आपसे आग्रह है कि चीतों को देखने के लिए आपको कुछ माह का इंतजार करना पड़ेगा और कुछ धैर्य रखना होगा। मोदी ने कहा कि आज हमने अतीत में की गई गलतियों को सुधारा है, आज हमने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि हम पर्यावरण के साथ विकास भी कर सकते हैं, हम पांचवी अर्थव्यवस्था भी बने हैं और पर्यावरण संरक्षण भी कर रहे हैं, टाइगर की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य भी हमने समय से पहले पूरा किया है। आने वाली सदियों तक वन्य जीवों और पर्यावरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक असर दिखाई देगा। आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को व्यक्तिगत चुनौतियां भी माने। भारत का प्रयास पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। आजादी के अमृत काल में देश अब नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। आज हमारी वर्षों की मेहनत रंग लाई है, चीतों को भारत की धरती पर पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह राजनीतिक दृष्टि से नहीं किया गया, बल्कि चीता लाकर हमने विरासत को संजोया है। आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। आज जब 8 चीते 75 साल करीब करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं, इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें, जोर से ताली बजाएं। और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों, इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मोदी ने कहा, पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान की खोज की गई और कूनो को इसके लिए सबसे बेहतर पाया गया। ये मेहनत परिणाम के रूप में सामने आई है। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा। आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। अब कूनो में इको पर्यटन भी बढ़ेगा। आने वाले दिनों में चंबल के विकास की संभावनाएं जन्म लेंगी। अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत में अब बच्चों को चीता अपने ही देश में देखने को मिलेगा। नामीबिया के चीते अब कूनो में
टहलने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराहल में स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में कहा कि मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। यहाँ चीतों को इसलिए छोड़ा गया कि क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है कि आप इन पर कोई खतरा नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर स्वयं सहायता समूह का इतना बड़ा सम्मेलन अपने आप में बहुत विशेष है। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, करूं आग्रह? आप जवाब दे तो करूं, आग्रह करूं? आग्रह करूं सबको, ये मंच वालों को भी आग्रह करूं? सबका कहना है कि मैं आग्रह करूं। आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। आज जब 8 चीते 75 साल करीब करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं, इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें, जोर से ताली बजाएं। और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों, इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।